अगर मैं बोल दूं कि टच के बीच के सारे कंपोनेंट किसी ने निकाल दी तो कौन सक्षम है बनाने के अंदर? सब बना लेंगे। आई टू सी की लाइन 4 नंबर के कनेक्टर पॉइंट पर जाती है, ठीक है सर। इसके बाद W39 पॉइंट से सीपीयू के W39 पैड से तो ये भी लाइव इस समय में। आनंद क्या क्लास थी आज हमारी? सर आज टच सेक्शन के बारे में, टच सेक्शन की क्लास थी। और अभी आपने लाइव क्या किया है? सर मेरे पास एक फॉल्टी सेट था, इसमें टच वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। इसमें मैंने डायग्नोस किया और देखा कि सर I2C से आने वाला जो वोल्टेज था सर वो नहीं आ रहा था। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्र। सिवनी जिले का रहने वाला हूँ सर। हाँ जी, आज मैंने सर टेस्ट सेक्शन के बारे में जाना है और मैंने ये SDM 636 जी इस CPU से निकलने वाली लाइनों और पावर IC से निकलने वाली लाइनों के बारे में जाना है, ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। तो ये जो SDM 636 Qualcomm का CPU है, इससे सबसे पहले रीसेट की लाइन निकलती है जो CPU के V40 नंबर से निकल के LCM कनेक्टर पर के 6 नंबर पॉइंट पर जाती है, ठीक है। ठीक है, इसमें सर एक TVS डायोड होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से I2C की लाइन AM36 से 5 नंबर के पॉइंट पर जाती है, ठीक है। इसी प्रकार AM37 I2C की लाइन 4 नंबर के कनेक्टर पॉइंट पर जाती है, ठीक है सर। इसके बाद W39 पॉइंट से CPU के W39 पैड से इंटरप्ट की लाइन 2 नंबर के कनेक्टर पर जाती है, ठीक है सर। तो इस बीच में I2C की लाइन पर सर दो पुलअप रजिस्टर हैं 2.2K के, ठीक है, जिसके माध्यम से 1.8 वोल्टेज I2C की लाइन पर जाता है, ठीक है। और सर पावर से टच पर वोल्टेज देने के लिए VRH की लाइन लगी होती है, जिसमें 1.8 से लेके 2.2 तक, ठीक है, 2.2 तक वोल्टेज आते हैं, 2.8 तक वोल्टेज आते हैं, ठीक है। और इसके बीच में सर यहाँ पे एक रजिस्टर लगा होता है और एक कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है, है ना। ये रजिस्टर क्या वैल्यू का? ये 0 ohm का रजिस्टर होता है सर, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो अभी क्या है आगे आपका? सर मेरे पास एक नोट 5 का सेट आया है, मतलब कस्टमर का है। इसमें सर टच का प्रॉब्लम है सर, मतलब टच सामने वाले ने चेंज करवाया है इसका, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहे हैं कि टच वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सर मैंने इसको डायग्नोस किया है, ठीक है। तो इसमें सर मेरे को I2C की लाइन पे एक रजिस्टर है जी, सर वो मिसिंग लग रहा है मेरे को, मतलब अच्छा। वहाँ पे GR तो आ रहा है लेकिन वोल्टेज नहीं आ रहा है, वोल्टेज नहीं आ रहा जी। तो इसको हम लगा के टच को स्टार्ट करके देखते हैं। थोड़ा बताइए, एक बार चालू करके टच वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये रजिस्टर नया खरीदोगे कि आप कहीं से निकाल के डालोगे? सर मैं इसको दूसरे सेट से निकाल के डालूंगा। अच्छा जी, खरीदने की जरूरत नहीं है इसको? नहीं, खरीदने की जरूरत ही नहीं है। हाँ सर, मेरे पास तो अदर फॉल्टी सेट ऐसे होते हैं, उनसे निकाल के। देखिए, आपको पता होगा कि कौन से कंपोनेंट का कितना वैल्यू है, सर ने आपको बताया थे सर ने? हाँ सर बिल्कुल, आपको कोई भी कंपोनेंट आप मल्टीमीटर से चेक करके लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं सर। Sound to sound.
सर ये टच वर्क करने लगा है। टच वर्क करना चाहिए, एक बार क्लिपिंग कर दो इनके लिए भाई। तो ये अभी लाइव इस समय में आनंद, क्या क्लास थी आज हमारी? सर आज टच सेक्शन के बारे में, टच सेक्शन की क्लास थी। और अभी आपने आपने लाइव क्या किया है? सर मेरे पास एक फॉल्टी सेट था, इसमें टच वर्क नहीं कर रहा था। ठीक है, इसमें मैंने डायग्नोस किया और देखा कि सर I2C से आने वाला जो वोल्टेज था सर वो नहीं आ रहा था, मिसिंग था वोल्टेज। हाँ सर, तो मैंने उसके कंपोनेंट है उसको ट्रेस किया तो उसमें मेरे को एक रजिस्टर मिसिंग लगा। सर तो मैंने उसको चेंज किया और मेरा टच वर्क करने लगा सर अभी। तो ये डायग्राम भी किसने बनाया है? सर मैंने ही बनाया है। ये डायग्राम भी आपने बनाया? यस सर। तो ये क्लास में सब बना सकते कि नहीं बना सकते? सर, अब आपके लिए बड़ी बात है क्या? नो सर। आपके लिए बड़ी बात है क्या? नो सर। एवरीवन सबसे क्वेश्चन है मेरा, यस सर। आपके लिए बड़ी बात है क्या? नो सर। किसी के लिए बड़ी बात नहीं है? नो सर। अब ये काम कैसा लग रहा है हमको? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आसान लग रहा है। आसान लग रहा है। आपको टच के एक-एक प्रोटोकॉल मालूम है? बिल्कुल। कौन सी लाइन CPU से आएगी, कौन सी लाइन पावर से आएगी? यस सर। पुलअप वोल्टेज, पुलअप रजिस्टर को वोल्टेज कहाँ से मिलेगा? पुलअप रजिस्टर लगाया तो क्या वैल्यू का लगेगा? क्या आप SDSCL को DSO से चेक कर सकते हैं? 28 सितंबर की भेंट, यस सर। उनको लाइव है? यस सर। सब लाइव है? यस सर। भाई आज बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? आज काम ही कुछ है। 10:30 बजे क्लास की है, सवेरे से 11 बजे से आए हो, 10:30 बज रही है, उसके बाद इतनी खुशी, उसके बाद इतनी खुशी। खुशी का राज क्या है? यस सर। मिला ही कुछ है सर? आज कुछ मिला ही खास है सर। कम सा मिला ही खास है? यस सर। चलिए ठीक है, तो ये बताइए आज टेस्ट सेक्शन किस किस का कंप्लीट है? माइक सेक्शन किस किस का क्लियर है? अभी कोई भी माइक में फॉल्ट आता है तो दिक्कत होगी क्या? पेड लाइन टू पेड लाइन चेक होगा कि नहीं होगा? टच को हमने किस तरीके से ट्रेस किया? टच कनेक्टर से लेके पावर, पावर से लेके CPU की पेड लाइन। यस सर। किस किस ने टेस्ट किया? सबने टेस्ट किया? यस सर। तो एंडलेस सॉल्यूशन है कि नहीं अभी आपका? यस सर। तो शुरुआत करूंगा मैं आपसे, तो ये बताइए मेरे को कि टच कनेक्टर से पेड लाइन तक, मतलब उसके अंदर CPU की लाइन तक और पावर की लाइन तक और उसके बीच में लगे हुए कंपोनेंट, एक एक प्रोटोकॉल मालूम है कि नहीं? मालूम वो टच का प्रोटोकॉल I2C का हो,
मिसो मोसी का हो, किसी का भी हो, आप बना सकते कि बना सकते सर? एंडलेस सॉल्यूशन है आपका? है है। अगर मैं बोल दूं कि टच के बीच के सारे कंपोनेंट किसी ने निकाल दी तो कौन सक्षम है बनाने के अंदर? सब बना लेंगे। और अभी जस्ट क्लास हुई है ना आपकी, लाइव आपने क्या बनाया आपने? हेलो सामने आइए, लाइव क्या बनाया आपने? सर टच वर्क नहीं कर रहा था, टच सेक्शन को उसका भी कंपोनेंट ही निकला था ना? हाँ सर बिल्कुल। जो आप अपने साथ सेट लाए थे वही बनाया ना आपने? हाँ सर बिल्कुल। उसका कंपोनेंट निकला हुआ था ना जी। तो कितने दिन से रखा हुआ था दुकान पे? सर एक डेढ़ महीने से। एक डेढ़ महीने से। और निकला हुआ क्या था सर? एक तो कंपोनेंट ओनली, बस खाली एक कंपोनेंट निकला हुआ था। तो आज नॉलेज के बिना सब चीज अधूरी है। यस सर बिल्कुल। एग्री करते हैं उस चीज को? यस सर बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो अभी जो आपको नॉलेज मिल रहा है अभी किस लेवल का मिल रहा है? सर बिल्कुल एंडलेस सॉल्यूशन मिलता है सर, मतलब जीरो से लेके पूरा लास्ट तक। आनंद मैं यूं बोलूं कि अगर यहाँ से जाओ और जाने के बाद आप 3 महीने प्रैक्टिस के बाद 5 बच्चों को पढ़ा दो तो पढ़ा सकते? यस सर पढ़ा है स्किल तुम्हारे में? यस सर बिल्कुल। तो नॉलेज टीचर वाला नॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? यस सर बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताओ मेरे को कि तुम्हारे क्षेत्र से अगर कोई आना चाहे तो क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल बेशक आ सकता है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ मेरे को कि एशिया टेलीकॉम में आप जब आते हैं तो किस चीज की छोटी रहती है आपको? क्या एशिया टेलीकॉम आपको बोलता है कि 4 दिन आओ बैठो मेरे से क्लास लो, समझ में आए तो पैसा देना, और अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आपका पैसा वापस? यस सर। ये गारंटी देता है कि नहीं देता है? एशिया टेलीकॉम देता है? यस सर। तो तुम्हारे सामने कोई क्लास में से 4 दिन बाद गया क्या? नो सर। नो सर नहीं। क्यों नहीं गया? सब क्योंकि उसने कुछ क्वालिटी है सर, सीपीयू चौथे दिन क्या लगाया था? सीपीयू लगाया था। तीसरे दिन क्या लगाया था? और दूसरे दिन कौन सा सीपीयू रिवॉल्व करा था? डबल डेकर। कौन सी स्टेंसिल से? नॉर्मल यूनिवर्सल स्टेंसिल से, है ना? यूनिवर्सल। आज ऐसा कोई बंदा जो 4G सीपीयू 4 बार लगा के नहीं बैठा हो यहाँ पे? यस सर। सबने लगाया? एक एक ने लगाए? ऐसा कोई बंदा जिसने नहीं लगाया हो? नहीं सर। आप इनका प्लेजर देख सकते हो, इनके चेहरे पे देख सकते हो, ये फीस देके बैठे हैं सर, कोई मैंने यहाँ बिरयानी खिला के नहीं बैठा सर, है ना? और ये नॉलेज लेके बैठे हैं। आज आपके पास टच का एंडलेस सॉल्यूशन है कि नहीं? यस सर। तो क्या बोलोगे देव सर और उनकी टीम के लिए? ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। कल क्या क्लास है आपकी? एक मिनट कल क्या क्लास है आपकी? किसकी क्लास है? इंडिया क्लास है। तो एक बार जोरदार स्वागत देव सर का। और ये ताली बजेगी कल 11 बजे रात को। यस सर। तो 4 दिन के 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 8 पॉइंट, 10 पॉइंट नहीं, हमारे पास 20 पॉइंट होंगे चार्जिंग ट्रेस करने के। एक एक पिन, एक चार्जिंग, नो चार्ज, 50% चार्ज, सारा सॉल्यूशन आपके जेब में होगा। यस सर। ठीक है चलिए, ऑल द बेस्ट। यस सर। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?